टैलेंट मूर्ति टैलेंट पर आप सभी का स्वागत है। नंदी बनाने के लिए चार कील ठोक दिए हैं, इसमें लोहे के बाहर कॉपर के बाहर से बांध देंगे। लोहे के बाहर इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि कील जो है बहुत छोटा है और नंदी थोड़ा बड़ा बनाएंगे, इसलिए कॉपर के बाहर से लोहे के बाहर बांध देंगे। और इसमें आगे में दो कील ठोके हैं, इसमें शंकर जी का मूर्ति बनाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो ये लोहे का वायर बांध इसी तरीके से उस साइड में बांध दिए और ऊपर से कॉपर के वायर को लोहे के वायर में अच्छा से लपेट देते ताकि मट्टी नीचे ना गिर सके। तो देखिए ध्यान से लोहे के वायर में कॉपर के वायर को बांध दिए। तो आपके पास लोहे का वायर है बांधने के लिए तो लोहे के वायर से भी बांध सकते हैं। देखिए मिट्टी लगा रहे हैं हल्के हल्के करके, नीचे से भी मिट्टी लगा दी है, ऊपर से भी मिट्टी लगा दी है। और ये पैर में भी मिट्टी लगा दी है। अब ये थोड़ा नंदी का थोड़ा ऊपर में जो पीठ रहता है उसको उठा दिए। और थोड़ा सा पीठ के ऊपर थोड़ा सा और मिट्टी लग रहा है तो और लगा देंगे। और ये थोड़ा सा बॉडी टाइप का बना रहा है तो हल्के हल्के कहीं कहीं मिट्टी लगा देंगे। तो ये पैर के पीछे से थोड़ा सा हल्का सा डिजाइन कर रहे हैं। और ये गर्दन के लिए मिट्टी भी लगा रहे हैं हल्का सा, गर्दन को लंबा करेंगे। और ये गर्दन के नीचे जो पतला सा जो लटकता है वो गाय का वो बना रहे हैं। और ये गर्दन के ऊपर थोड़ा सा और मिट्टी लगा दिए। अब स्टिक लगा के नंदी का फेस बनाएंगे। तो देखिए नंदी का फेस किस तरीके से बना रहे हैं, हल्के हल्के मिट्टी लगाएंगे। तो देखिए नंदी का फेस एकदम सिंपल तरीके से बना रहे हैं। अब ये टूल के मदद से नंदी का मुंह बना दें। अब नाक में हल्का सा दो छेद कर देंगे। और ये आंख बना दें नंदी का। तो बहुत ही सिंपल तरीका से आंख को अंदर की ओर चाप करके आंख का डिजाइन कर दिए। और ये आंख के ऊपर का डिजाइन कर रहे हैं। और थोड़ा सा मिट्टी लगेगा तो उसके ऊपर मिट्टी लगा देंगे। और ये सिंग छोटा सा बनाएं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएं सिंग। और ये कान छोटा सा कान बना देंगे। तो दोनों साइड में इसी तरीके से कान बना देंगे। और ये लोहे का कॉपर के वायर से इसका पूंछ बनाएं और पीछे में चिपका देंगे। अब इसमें लोहे का वायर को बांध देंगे कॉपर के वायर से। तो शंकर भगवान के हाइट के अनुसार से इसमें कॉपर के लोहे के वायर को बांधेंगे कॉपर के वायर से। और इसमें हल्का हल्का करके मिट्टी लगा देंगे। तो ये हल्का सा जांग के ऊपर मिट्टी लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से पूरा पैर को बना देंगे। और ये बॉडी बना रहे हैं शंकर जी का। तो हल्का हल्का करके मिट्टी लगाएंगे कमर में। तो ध्यान से देखिए कि किस तरीके से शंकर जी के बॉडी को तैयार कर रहे हैं। तो ये शेर का छाल का डिजाइन कर रहे हैं।
अब शंकर जी का सीने का डिजाइन करेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा नाभि में छेद कर देंगे हल्का सा, और ये लाल रंग के कपड़े का डिजाइन करेंगे। तो अंतिम में एक कलर पर देख लीजिएगा, तो ये हल्का सा पतला सा करके और कमर में कपड़ा चिपका देंगे मिट्टी का। वैसे ब्रश से पेंट कर देंगे। तो ये शेर का फेस बना रहे हैं टोना में शंकर जी का गाड़ी के पास। अब सीने का डिजाइन कर रहे हैं, तो देखिए सीने का डिजाइन किस तरीके से कर रहे हैं। थोड़ा सा सीने को ऊपर कर रहे हैं, इसके लिए मिट्टी लगाएं हल्का सा। तो ये सीने का डिजाइन हो चुका है, इसे ब्रश से पेंट कर देंगे। तो ये शंकर जी का हाथ बना रहा है, तो एक हाथ में कमंडल को बनाएंगे। तो देखिए जब हाथ बना रहे इसमें कमंडल बनाएंगे, तो इसमें बॉडी भी बनाएंगे हल्के हल्के मिट्टी लगा करके। तो देखिए बॉडी भी बना रहे हैं शंकर जी का। तो ये शंकर जी का फेस बना रहे थे, सबसे पहले बाल का डिजाइन करके फिर बाल के ऊपर माथे का अच्छा से डिजाइन कर देंगे। अब फिर उसके बाद आईब्रो का डिजाइन करेंगे, तो आईब्रो के बाल से दोनों साइड से बराबर से छापेंगे। अब आँख के साइड से दोनों तरफ से मिट्टी लेंगे। और नाक के लिए मिट्टी हल्का से चिपका दिए। और नाक के साइड से दो लाइन खींच देंगे। थोड़ा सा वीडियो धुंधला धुंधला दिख रहा है, थोड़ा वीडियो में ध्यान नहीं दिए थे वीडियो करते समय, तो वीडियो के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। तो आँख के आईब्रो के लिए हल्का सा फिनिशिंग कर रहे हैं उंगली की मदद से आईब्रो का। गाल पे हल्का सा मिट्टी लगा दी है। तो ये आईब्रो का डिजाइन कर दिए सिंपल से टूल की मदद से। अब आँख का डिजाइन करेंगे, देखिए आँख का भी डिजाइन कर दिए। और नाक के में हल्का सा छोटा सा छेद कर देंगे नाक में। और टूल की मदद से होंठ का डिजाइन कर दिए। तो ये फेस बन के रेडी है, और ये गले पे हल्का सा मिट्टी लगा करके शंकर जी का फेस को जोड़ देंगे। तो स्टिक लगा करके शंकर जी का फेस को जोड़ रहे हैं, तो फेस को हल्का सा घुमाए हुए, तो हल्के हल्के करके गर्दन में मिट्टी लगाएंगे। और ये रस्सी दे दिए हैं शंकर जी का, और इसमें हल्का सा छोटा सा कंगाल का फेस बना दिए। और ये
युद्राक्ष की माला बना रहे हैं। तो देखिए युद्राक्ष की माला को कैसे बना रहे हैं, गोल गोल करके बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ऐसे ही लंबा सा करके और दाग दे दिए। और ये सांप का डिजाइन कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीका से सांप बना दिए। और ये सांप बिना फन वाला बनाया। अब शंकर जी का बाल का डिजाइन कर रहे हैं, अभी टूल की मदद से बाल में हल्का हल्का टूल की मदद से बाल का डिजाइन कर देंगे। और ये युवराक्ष का माला बना देंगे ऊपर में माथे पे, और चांद भी बना दिए। अब ये कमंडल बना रहे हैं, तो देखिए स्टिक लगा दिए और गोल ऐसा करके चिपका देंगे, और इसमें एक पतला सा हैंडल बना देंगे मिट्टी का, और उसके बाद हाथ लगा देंगे। तो ये हैंडल बना दिए सिंपल से। तो ये हाथ बन गया सिंपल से। अब इसमें युद्राक्ष की माला बना रहे हैं हाथ में भी, तो उसी तरीका से युद्राक्ष की माला बना देंगे। तो ये मिट्टी का काम कंप्लीट हो चुका है। अंतिम में आप लोगों को कलर वाला सीन देखने को मिलेगा। इस वीडियो में कलर करके नहीं दिखाए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कलर वाले वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए कलर करके नहीं दिखाए हैं, सिर्फ कलर वाली वीडियो दिखाए हैं। तो आप लोग को ये मूर्ति कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।